का इफेक्ट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, आता है सब, और जिस तरीके से बताएंगे वो तो और ही आसान है। ये एक्चुअली में क्या है, बहुत थका हुआ टॉपिक है सर, तो अगर इसको वैसे ही पढ़ा गया तो ये और ही बर्बादी की तरफ ले जाएगा आपको, तो इसको थोड़ा सा मन से जो पढ़ा है वो लगा के काम कंप्लीट करेंगे। जैसे सर मैंने आपको लास्ट टर्न पे बोला था, पहला डालिएगा वाटर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है सर, पहला केस है सर, वाटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्या आइस मेल्ट हो रही है सर, यही तो है, मेल्टिंग ऑफ आइस है। अब मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम जो है कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, सॉलिड में वॉल्यूम ज्यादा होगा, बल्कि इंक्रीज क्यों लिखे हैं, ज्यादा ही लिखे हैं, और यहां पर वॉल्यूम कम होगा साहब, रीजन हाथ उठा के बताइए, एक आदमी बताओ बेटा, मजा नहीं आया, और मेरी बात नहीं समझे। देखो हम तुमसे क्या पूछते हैं, जैसे हम बोलते हैं तुम्हारी समझ में आता है, बोलो यार, तो हम ये चाहते हैं कि तुम भी उसी सरल भाषा में बोलो जिससे सबकी समझ में आए। नहीं बेटा ना ना, मेन बात बताओ, पता सबको है यहाँ पे, कैसे पता चलता है ये, ना 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 ना, पास में तो कम हो जाता है बोले, हाँ 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 नहीं वो एनसीईआरटी इक्वेशन नहीं, केमिस्ट्री पे आओ, मजा नहीं आया। और अच्छा एक बात बताओ, बर्फ का टुकड़ा देखे हो, आइस क्यूब देखे होगे, आइस क्यूब के टुकड़ों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो क्या वो चिपक जाते हैं? नहीं नहीं हाँ, तो गधा हो क्या, कह रहे नहीं, आइस क्यूब के टुकड़े एक कटोरी में थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो सब आपस में चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं सर? साले तुमने आज तक देखा ही नहीं है, तुमने अभी बड़े हो गए, गिलास में आइस डालोगे तुम, तो हमारा दिमाग नहीं खराब करना गुरु। हाँ कह रहे तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आइस का ही पड़ेगा, आवाज ध्यान होना, चिपक जाता है भाई, क्यों चिपक जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में क्या होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझनी है तो वाटर लिक्विड मत लो, वाटर किस फॉर्म में लो, क्यूब की फॉर्म में, और उसके क्यूब के कई सारे क्यूब्स जो है उनको उठा के एक बक्से में भर दो, तो अगर भर दोगे तो थोड़ी देर में देखोगे गट्ठर बन जाता है, वो गट्ठर इसीलिए बनता है क्योंकि वो आपस में चिपकते हैं, और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर होता क्या है, जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में केवल एक अंतर क्या है, दोनों में ही सर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में ही बेटा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक सेकंड में समझ जाओगे, अगर हमें तुम्हें समझाना है तो अब आ ही गया है तो बता भी देंगे, एफ ओ और एन, कौन कौन सर, फोन, एफ ओ और एन से जुड़ा हाइड्रोजन, डायरेक्टली जुड़ा हाइड्रोजन, अगर एफ ओ या एन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर बात, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में या अपने मॉलिक्यूल में ही कहीं और प्रेजेंट, दूसरे मॉलिक्यूल में तो इंटर मॉलिक्यूलर, और अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर कहीं और मिल जाएगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, एफ ओ या एन जिनके ऊपर पहले से ही कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इनके बीच में
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो भैया, तो इसका मतलब वाटर के केस में H2O है या नहीं है? तो अगर मैं बात करूंगा तो लिक्विड के केस में क्या होता है सर, कि आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होगा सर, आपके पास इस प्रकार से वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे मान लीजिए हमने लिख दिए, तो अगर हमें दिखाना है तो मैं बोलूंगा आपका हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, होगा सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पर एक प्लस आया है तो इस पर एक माइनस आया होगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ से अगर हम देखें तो क्या माइनस टू डेल्टा का चार्ज होता है हर ऑक्सीजन के ऊपर, होगा सर। अब क्या बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ऑक्सीजन एफ या एन, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा एच दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, ऐसे ही ये हाइड्रोजन इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, इस तरीके से ये लोग आपस में मिले रहेंगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है सर, ठीक बात। लेकिन अगर हम इसी चीज को सॉलिड फॉर्म में देखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में इसको लिखने का सीधा सा तरीका क्या होता है सर, इसका तरीका ये कि अगर हमें यहां लिखना है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं कि ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये O H H O H H वाटर है, इस तरीके से लिख लिया। ऐसे ही सर यहां बनाएंगे, छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहे, ज्यादा चक्कर में नहीं डाल रहे, तो ये है सर। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अब मैं चार्ज वार्ज नहीं बनाऊंगा, क्या ये बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेंगे या नहीं बनाने लगेंगे? बनाएंगे ना, तो जहां भी O और H दिख रहा है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड नजर आएगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएगा या नहीं आएगा? अब मैं यहां पे आपको सारी बातें बताऊंगा सर, क्या जो वाटर मॉलिक्यूल कोने में है, जो वाटर मॉलिक्यूल कोने में है क्या उनके पास अभी भी ऑक्सीजन मौजूद है सर, तो अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये आगे चल के किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जो ये हाइड्रोजन है ये किसी के साथ आगे चल के बॉन्ड बना सकते हैं, बोलो भैया। तो यहां पर अगर बोला जाए तो जब ये सॉलिड बना रहे होते हैं, यानी कि जब ये आइस बना रहे होते हैं साहब, तो आइस फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या यहां पर ये खाली जगह छूट रही है, बोलो भैया, ये खाली जगह छूट रही, इसीलिए बोला जाता है कि वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो एनसीईआरटी में लिखा है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक टर्म लिखा हुआ है और वो टर्म अपने आप में बड़ी कीमत रखता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी यहां आप इनऑर्गेनिक का ये टर्म भी सीख सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब मुझे तुम ये बताओ कि जब भी इस तरीके का मामला बनेगा, क्या आइस में ये दिख रहा है कि खाली जगह भी है, खोखली रहती है वो, तो खाली जगह है तो वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है साहब, बढ़ गया है। असलियत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल का एक दूसरे के पास पास आना, लेकिन आइस की फॉर्म में वाटर में अगर H2O के मॉलिक्यूल सॉलिड बना रहे तो वो पास पास आ रहे हैं, लेकिन कौन से बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक बात और, ये जगह इसलिए भी बचती है यहां पर, आगे चलकर जब हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम्स होते हैं उनको एक प्लेन में आना पड़ता है, यानी कि प्लेनर होना पड़ता है, तो प्लेनर होने की वजह से वो कुछ ना कुछ जगह छोड़ते हुए वहां पर चलते हैं सर। मामला समझ में आया या नहीं आया? दूसरी बात, आइस आपस में क्यों चिपक रही है सर, क्या हमारे पास जो भी बर्फ का टुकड़ा होगा उसके बाहरी जो उसका सरफेस होगा वहां क्या वो अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है? तो आप एक आइस के ऊपर दूसरा आइस जब रखते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर में चिपक जाते हैं। तो यही वाटर है सर, अगर आपको वाटर पढ़ना है तो असलियत में ये है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, कोई डाउट हो तो पूछिए, यानी अगर आप बता रहे हैं
तो आप हमको अंधी में मत बताइए सर, क्योंकि ये स्पेशल केस केवल किसके साथ काम कर रहा है, वाटर के साथ, दुनिया के बाकी किसी सॉलिड के साथ ये चीज नहीं है। सॉलिड का मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल करीब आ जाते हैं, यहां करीब आ रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन उसमें क्योंकि बॉन्ड जब ये बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर ये कैसा बनाते हैं, ओपन केज लाइक, जिसकी वजह से ये कई सारी जगह है बीच में खाली छोड़ते हैं, एक पिंजरे टाइप का खाली रहता है मामला। अब ये बताइए क्या इसके लिए सही लिखा है कि यहां वॉल्यूम ज्यादा होगा और यहां वॉल्यूम कम होगा, क्लियर बात। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे आइस को मेल्ट करना है फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या करें बताओ, किसके टर्म में बताना है, बढ़ाएं या घटाएं? ली चैटलियर कहता है पलट जाएगा मामला, अगर तुमने प्रेशर को बढ़ाया क्या किया तो वॉल्यूम को क्या घटना पड़ेगा इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो अगर मैंने कहा कि मैंने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो रिएक्शन उधर जाएगी, जिधर वॉल्यूम क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। अरे बोलो ना यार, प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम, तभी तो इंपैक्ट जीरो हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन उधर जाएगी, जिधर वॉल्यूम क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। इसका मतलब आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोलो भैया। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि प्रेशर बढ़ाने पर ज्यादा आइस पिघलना शुरू कर देगी। अब इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो ज्यादा होगा यहां पर। अब ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया या घट गया, बुद्धिमानी से जवाब देना। अगर देर से हो तो घटेगा, वो बढ़ेगा, और जल्दी हो तो घटेगा। अब प्रेशर बढ़ाने पे ये काम जल्दी हुआ है या देर से हुआ है, जल्दी हुआ है। इसका मतलब प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या कर जाता है साहब, डिक्रीज कर जाता है। इसी पे सवाल आता है सर, तो कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। अगर मैं इसको सॉलिड मॉलिक्यूल फलाना ढिमाका उन टर्मों से पढ़ाऊंगा जो आपको आधे अधूरे समझ में आते हैं लेकिन सुनने में अच्छे लगते हैं, मजा नहीं आएगा सर। बना लीजिए बढ़िया से, खत्म हो गया। कोई डाउट हो आपको लगता हो आप पूछ सकते हैं, वो हर जगह लगता है बेटा। अरे ब्राउनिंग मोनोसन पोषण का ही नहीं होगा यार, फालतू बात कर रहे हो, ज्यादा यूट्यूब ना देखा करो। हाँ इसीलिए तो आइस खोखली है ना मेरे भाई, अरे भाई मेरे वो CO2 है यार, है समझे कि नहीं समझे, जो भैया बता रहे हैं तुम्हारा वाला भी वही है। अब मेरी बात नहीं समझे, हमारे पास क्या मामला है मालूम है, मेरे पास शुरुआत से एक मामला ये है कि हम यहाँ पे तुमको अपना ज्ञान देने नहीं आए हैं, जनरल नॉलेज की क्लास हम ले नहीं रहे हैं सर, जो मैक्सिमम करते हैं सर क्या कि GS पढ़ाओ, वो चीजें बोलो जो बच्चे को बहुत अच्छी लगे, हम बोल रहे हैं जो पेपर में आता है सर, और वो पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आता है, उसके लिए जान लड़ाएंगे चाहे जैसे करके तुम्हारे दिमाग में डालेंगे उसको, और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है सर, वो सब फिजिक्स में लगाइए आप। एक ऐसा तीर कमान पेपर में सालाना ही नहीं है वो, एक एक छोटी सी बात कर रहे हैं सर, 7 या 8 चैप्टर आपके हुए हैं सर, 8 चैप्टर में जिन्होंने 8 चैप्टर पढ़ा है एक भी सवाल उठा लीजिए जेई मेंस का, पहली चीज आप कमजोर भी होंगे तो भी आपको यह समझ में आएगा कि हाँ इसने ये पढ़ाया है हमको। दूसरा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको अटेम्प्ट करके उसका आंसर निकाल लेंगे, और 10 सवाल करेंगे तो 10 में से 9 सवाल कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें तुम खुद ही देख लो भैया, हम ज्यादा गणित नहीं बताते, पेपर लाएंगे 10 देंगे,
तुम 10 केमिकल इक्विलिब्रियम के दे दो, 10 मैं एनएलएम के दे रहा हूं, इलेक्ट्रो बताओ इलेक्ट्रो के, जो तुम बताओ फेवरेट उसी के देते हैं यार। कोई फेवरेट एवरेट नहीं है, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पुरानी कहानियां नहीं होती दादी जी वाली, रात में कहानी सुनाई बच्चा सो गया, बस काम खत्म, उससे कुछ होना नहीं है, तो चक्कर में ना पड़ो उसके। हाँ कंसेप्चुअली पूछोगे सर ये होगा तो क्या होगा, अब हम तुमको क्यों बताने लगे फर्जी यार। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम बात करेंगे, वहां बात करेंगे तो वो वंडरवॉल फोर्स होता है, बात खत्म है। जिसको ड्राई आइस बोलते हैं यार, उसको यहां कैसे ले आए यार। सॉलिड से लिक्विड पढ़ा रहे हैं कि गैस से सॉलिड पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी फेल देंगे यार उसको यहां पे। अब फिर वही है, कुछ कहेंगे तो तुम कहोगे लो तुम डांट रहे हो यार, डांटने वाला काम है कर रहे हो तो। तुम्हारी आत्मसंतुष्टि भैया हम नहीं कर पाएंगे, भूल जाओ उसको। एडमिशन लेना था तब तक हमने करा दिया, हम साफ बोलते हैं, खुला है, हम झूठ बोलने कोई काम है नहीं है। जब सच बोल के इतना आदमी हमारे साथ है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना साहब। आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए हमने काम किया है और सभी लोग करते हैं, अब हम अपनी संतुष्टि के लिए और ये मामला समझ में आया या नहीं आया। और सुन लीजिए सर, ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, वो आपसे क्या पूछेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस ज्यादा होना चाहिए। अब थोड़ी बुद्धि लगाना, तुम्हारा काम केवल और केवल क्या होगा, तुम यहां पर ये चीज जान जाओ बस कि वॉल्यूम ज्यादा और वॉल्यूम कम। अब तुम कहोगे कि अब तुम हमसे जो पूछोगे हम बता देंगे, जैसे मैंने तुमसे ये कहा, भैया बात करो बंद कर दो, मैंने अगर कहा तुमसे कि ये बताओ कि मुझको आइस ज्यादा मेल्ट करानी है, सुनना है कहानी। अब ये हो गया ज्ञान व्यान अपनी जगह है, पेपर में लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। सर मैंने आपसे कहा कि आइस ज्यादा मेल्ट हो, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा, अच्छा वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ता है, ज्यादा। बोले प्रेशर बढ़ा दो ज्यादा आइस मेल्ट होने लगेगी। अरे बोलो ना यार, किसी ने कहा ज्यादा आइस जो है वो बनने लगे, यानी कि मेल्टिंग कम हो जाए साहब। बोले अच्छा उल्टा जाना है, उल्टा जाना है मतलब वॉल्यूम ज्यादा की तरफ रिएक्शन जाए, वॉल्यूम ज्यादा कब होता है, जब प्रेशर क्या हो जाए कम। बोले प्रेशर कम कर दो रिएक्शन बैकवर्ड भागने लगेगी, यानी अब मेल्टिंग नहीं होगी बल्कि क्या होने लगेगा, वो सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगी। बोलो भैया, तो ये ध्यान रखना है, बात खत्म। लिखिएगा जल्दी उतारो जल्दी उतारो, अरे वही लिख ना, लिखो हम बता रहे, ये लिख लिया है, लिखो यार। अब हम अपना बताएं, अब आधे ज्यादा जनता इंतजार करेगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पढ़ाएगा, ले वो पढ़ा दिए हैं गुरु, और जो पॉइंट तुमको वहां बताया है कि एफ ओ और एन से जुड़ा हाइड्रोजन, एफ ओ या एन कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल के बाहर, उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको कोई जो सवाल आते हैं कि कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उठा के देख लो सारे सवाल लग जाएंगे तुमसे, यही कंसेप्ट है, और लास्ट में पेपर में तुम वही लेके जाओगे। हम उसके 20 सवाल करा देंगे लेकिन तुमको याद वही रहेगा सर। अच्छा एक बात और, अगर आइस जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है तुम्हारे द्वारा किए गए काम से, तो इसका मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर तुम्हारे द्वारा किए गए काम से आइस मेल्ट नहीं हो रही है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया है, वो रुका हुआ है। कल को अगर आपसे पूछा गया, जानबूझ के जल्दी थोड़ा दिमाग लगाना, कल को अगर पूछा गया कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देना है तो क्या करना है, अरे नहीं भागो नहीं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना है मतलब आइस मेल्ट ना हो या कम हो, आइस मेल्ट ना हो रिएक्शन किधर भागे, पीछे। अरे बोलना यार, रिएक्शन पीछे जाए मतलब वॉल्यूम ज्यादा करना है, मतलब प्रेशर को कम करना पड़ेगा, यानी एट लो प्रेशर मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीजेस। बोलिए सर, यही तो अंग्रेजी में फंसाएगा वो आपको। अगला टर्म, उसने कहा आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए मतलब आइस ज्यादा से ज्यादा मेल्ट हो, मेल्ट हो मतलब रिएक्शन इधर आनी चाहिए, वॉल्यूम को कम करना है, वॉल्यूम कम करना है मतलब प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा, यानी हाई प्रेशर पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अब भी कंफ्यूज हो जाओ तो मर जाओ, इससे आसान नहीं हो सकता। लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, लिखा दे रहे हैं एक चीज, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स लेस वॉल्यूम मींस फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स लेस वॉल्यूम मींस फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, यही तो लिखा हुआ है। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कम वॉल्यूम की तरफ भागेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। अगला मींस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, पैराग्राफ चेंज करके मींस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉलिड विल इजिली कन्वर्टेड इंटू, सॉलिड विल इजिली कन्वर्टेड इंटू लिक्विड मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, सॉलिड इजिली कन्वर्टेड इंटू लिक्विड मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। अब यहां सॉलिड आइस है, अरे बोलो ना यार, कल को अगर किसी ने इधर देखो तुमसे एक हाइपोथेटिकल बोल दिया, क्या रह गया है? रघुराज सर की मशीन जा रही, क्लियर है मामला? तो यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, कर जाएगा। अगला टर्म लिखिएगा सर, हो गया भाई, तुम आओ इधर आओ, अगला टर्म आओ। अब मैं ले रहा हूं तुम्हारे पास दूसरा केस सर, हर बार ऐसा नहीं होगा ना कि सॉलिड में वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा हो जाए। मैंने यहां पे लिखा सल्फर सॉलिड और ये गया सल्फर लिक्विड में, बना लो भैया, बताना सब तुम्हें है सर। बताना तुम्हें है बस, केवल पढ़ा दिया जो पढ़ाना था आज की क्लास में, अब तुम हमको कहानी समझाओगे। यहां पर सॉलिड है, सल्फर एक नॉर्मल सॉलिड होता है, इसका मतलब सॉलिड है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल पास पास होंगे या एटम पास पास होंगे, वॉल्यूम जनरली कम होगा, वो वाटर वाला केस अलग से याद रखना है। तो इसका मतलब यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या है साहब, कम है, और यहां पर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना? बनाओ, हमें सॉलिड को ज्यादा मेल्ट कराना है, आंसर बताइए सर, हमें सॉलिड को ज्यादा मेल्ट कराना है, प्रेशर क्या करें, बढ़ा दें कि घटा दें साहब, देख समझ ले आराम से, क्या आगे भगाना है रिएक्शन को, इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो, वॉल्यूम ज्यादा हो मतलब प्रेशर कम हो, इसका मतलब क्या, मैं इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को अगर क्या कर दूं, कम कर दूं, तो इक्विलिब्रियम पर अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिएक्शन है वो उधर भागेगी जहां वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी कि मेल्टिंग होगी वो बढ़ जाएगी, क्लियर है मामला? तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर को कम करने पर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड, बोलो भैया, इसका मतलब जो मेल्टिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मेल्टिंग अगर ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज, अरे बोलो भाई, मेल्टिंग ज्यादा का मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग कम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, कॉपी में कहीं किसी में झटक जाओगे, लिखो मेल्टिंग ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग कम मतलब मेल्टिंग डिक्रीज, सीधी सी बात है यार, हो गया, बस लिखना है इसके बारे में, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं यहां पर, और दोनों तरीके का है ना, लिखिएगा ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, थोड़ा तेज लिखना है दोस्त, सुनो मत, हो गया मामला, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर
फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड मींस इक्विलिब्रियम शिफ्ट, मींस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स मोर वॉल्यूम, टूवर्ड्स मोर वॉल्यूम यानी इक्विलिब्रियम मोर वॉल्यूम की तरफ जाएगा यानी फॉरवर्ड जा रहा है। पैराग्राफ चेंज, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, वही कहानी दोबारा से लिखवा रहे हैं जो ऊपर लिखवाई थी। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर सॉलिड विल इजिली कन्वर्टेड इंटू लिक्विड, सॉलिड विल इजिली कन्वर्टेड इंटू लिक्विड मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। हो गया। अब एक बात यह बताओ, अगर कल को पूछा जाए प्रेशर को बढ़ाने घटाने पर जो सॉलिड है वो ज्यादा मेल्ट करेगा या कम करेगा, या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, तो तुमको केवल एक ही लाइन लिखना है क्या कि कब वॉल्यूम ज्यादा है और कब कम है। ये पहचान लोगे तो बना ले जाओगे वहां पे आराम से। तो ये काम हो गया सॉलिड के मेल्टिंग का। अब है सर बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। अगला टर्म है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, पॉइंट नंबर थ्री, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सर कंफ्यूज मत होइएगा, आपने पहला पॉइंट पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा है। पहले यह पता होना चाहिए टेम्परेचर के लिए कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो, वैसे ही प्रेशर के लिए यह पता होना चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। अरे बोलो ना भैया, तो वो तुम्हें इक्वेशन देख के ध्यान रखना। जैसे सर अगर मैंने शुगर ली, शुगर पानी में डाली, तुमको एक्वस फॉर्म बना, अब ये बताओ वॉल्यूम बढ़ा या घटा। मजा आ जाएगा अभी देखना। एक से एक यूट्यूबर बैठे हैं यहां पे, आओ सोच समझ के जवाब देना, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा है? क्यों, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे पता चलेगा? फिजिकली बहुत प्रैक्टिकल करते हो ना तुम लोग यहां पे, आओ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, कैसे पता चलता है? हमने कहां बताया है? हमने नहीं बताया बिटिया, वो कहां गई? हाँ भाई क्या रहेगा, बढ़ेगा ये तय बात है, हम कह रहे प्रूफ करना है। सर क्या होने लगेगा, देखो हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान की हमेशा दुश्मनी रही है सर, पूर्णतया गलत, 100% रॉन्ग। अगला बताओ और कोई थोड़ा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल करते हो ना, तुम्हें प्रैक्टिकल समझ में आता है, हम प्रैक्टिकल है करके बताएंगे तुमको, अब करना भी नहीं पड़ेगा, मुंह जवानी बताएंगे तुम घर में कर लोगे। एक बात ये बताओ, इधर देखो तो इतनी शक्कर लिए, इतनी सी, उसका वॉल्यूम इतना ही है, अरे बोलो ना यार, और उसका तरीका ये है कि अगर हमने वो शक्कर, क्या है भैया क्या लेना है, अब क्या रह गया, तो ले तो गई मैडम, एक बार में निकाल लो गुरु, फिर उसके बाद आओ, बार बार मत आओ यार, क्लास ना खराब करो। तुम्हारा हो गया काम, जाओ यार गौरव, अबे नहीं डिस्टर्बेंस होता मजा नहीं आता है ना फिर यार। अब सुनना एक बात, सुनना एक कॉमन सेंस है, तुम हमें क्या जवाब दे सकते थे या एक छोटा बच्चा क्या जवाब देगा, वो कहेगा सुनो इतनी सी शक्कर है लेके रख लो थाली में, वॉल्यूम देखना है ना तुमको, थाली इतनी बड़ी लो, आंख में बांधो पट्टी, अगर उसी एग्जैक्ट जगह पे दाना उठाओगे और मुंह में रखोगे तो मीठा लगेगा, और बाकी जगह पे रखो रेत वहां से उठाओगे तो शुगर नहीं है, यानी वॉल्यूम ओरिएंटेड है सॉलिड चीज, इसमें कोई समस्या?
नहीं है, कितने भी बड़े बर्तन में रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ओन वॉल्यूम को लेकर चलता है, जितनी क्वांटिटी ली हो। अब उतनी ही शक्कर उठा के एक गिलास पानी में डाल दो, पानी में एक गिलास पानी था सर, पूरी शक्कर हमने उसमें डाली और गर्म पानी था तो शक्कर घुल गई। अब उस पानी को गिलास से पियो, उस पानी को चुल्लू से पियो, उस पानी में चार उंगली डाल के इसे छींटा किसी के मुंह में मार दो, सब में शक्कर है साहब, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा या घटा सर? बढ़ा सर। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली बात है कि आप नॉर्मली जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां लगाना चाहिए, लेकिन पता नहीं तुम उसको बताओ वो कह रहा है कि वो क्या बताएं अब हम उसको। भाई तुम ही अपने मन से कुछ सोच लो बढ़िया सा, यहां पर वॉल्यूम कम, चलो यार मजाक था, इधर आओ, और यहां पर वॉल्यूम ज्यादा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना, एक एग्जांपल इसलिए डाल देता हूं बीच में कि तुम्हारा जब मन करे सवाल गलत करने का तो हम खड़े होंगे बीच में, सवाल गलत नहीं करने दे, क्योंकि बहुत आदमी कहेगा कि यार ये सॉलिड में कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम बढ़ा, वो तो मिल गया होगा उसके अंदर। ले भाई मिल गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। अब मुझे बताओ हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, इधर देखो हमारा टास्क है साहब, हमको सॉल्युबिलिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी हमें रिएक्शन को किधर ले जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में साहब रिएक्शन को ले जाना है। अब आप मुझे बताइए कि मैं प्रेशर को बढ़ा दूं या मैं प्रेशर को घटा दूं, हम दिखाई नहीं है वॉल्यूम देख के बता पाओ। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तुमको रिएक्शन को, तो क्या ज्यादा वॉल्यूम की तरफ ले जाना है? वॉल्यूम ज्यादा करने का मतलब क्या प्रेशर को कम करना पड़ेगा? इसका मतलब तुमको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा साहब? डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी प्रेशर को डिक्रीज करने पर रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर दे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बना लीजिए सर, यही है खत्म। अब इसमें क्या जान लड़ा दे, हो गया। अब जबरदस्ती उसको रेड़ते रहे एक घंटा तो वो नहीं होने वाला, जितना आना है वो इसी से आ जाएगा, उतना नहीं आएगा। अब तुम ये भी ना समझ पाओ कि शक्कर को डालने के बाद ग्लास मीठा हो जाता, तो मरो साले तुम, हम क्या बताएं तुमको। अब कुछ उसमें ऐसे पागल भी होते हैं कि नहीं यार वो दूध में जब शक्कर डालते हैं तो नीचे थोड़ी सी रह जाती है, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज 100% फर्जी बातें मत करो यार। यानी कि आप प्रेशर के इंपैक्ट को सॉल्युबिलिटी पर भी बेटा लगा सकते हैं, इसके लिए ये आपको ध्यान रखना। कुल मिलाकर कहानी क्या है, अगर मैं आपको पूछूं तो आप ये कहेंगे सर आपने इतना पढ़ाया है, हम अपने दिमाग में इसको ऐसे रखेंगे कि अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात आएगी तो हम रिएक्शन के एक्सो या एंडो होने पर ही बता पाएंगे कि क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगी, और अगर हमको सॉल्युबिलिटी की बात करनी है या मेल्टिंग की बात करनी है तो हम वॉल्यूम बिना लिखे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम प्रेशर को घटाएं या बढ़ाएंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम एक बार पता चल जाए किधर बढ़ता है किधर घटता है तो हम बता ले जाएंगे, इसके लिए कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए, खाना पूर्ति करिए, पैसा दिया है आपने। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, हाँ इसी का दिया था, इसका थोड़ी दिया था। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट towards more volume, on decreasing pressure equilibrium shift towards more volume means forward reaction take place on decreasing pressure means forward reaction take place on decreasing pressure as a result substance will be more soluble इसका मतलब आपका सब्सटेंस जो होगा वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, सीधी सी बात है सर। अच्छा इसी का उल्टा कर दोगे तो, किसी ने कहा इधर देखो हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो तुम कह रहे हो ठीक है बढ़ा दो, प्रेशर अगर बढ़ाए हो तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर वॉल्यूम कम हो, यानी रिएक्शन वापस।
तो बोले वापस में क्या होगा, बोले इसका मतलब अब क्रिस्टलाइजेशन होगा। दो टर्म आते हैं, एक टर्म है डिसोल्यूशन और एक टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टल यानी कि वापस पत्थर की फॉर्म में आ जाना साहब। अगर सॉल्यूबल कम हो रहा है तो वापस आ रहा होगा, और अगर सॉल्यूबल ज्यादा है तो डिसॉल्व हो रहा होगा, यानी कि तब क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा ज्यादा। तो वो क्रेजी का बस उसको समझना आना चाहिए। एक चौथा पोर्शन है सर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पॉइंट नंबर फोर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट डायमंड से ग्रेफाइट बना रहे हैं साहब। कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं सर? क्या करते हैं? वेरियस फॉर्म में एलिमेंट होगा, कंपाउंड कैसे होगा? यस सर, एक से ज्यादा रूप में पाया जाता है। और कोई भाई, सीधी बात है, एलिमेंट एक ही हो लेकिन उसके अपने अंदर जुड़ने की जो टेंडेंसी है यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी हो कि वो अलग अलग प्रकार की चीजें बना दे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। वो फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। उनको क्या बोलते हैं सर? एलोट्रोप्स। कार्बन के कितने एलोट्रोप अपने कोर्स में है सर? तीन। कौन कौन से? पहले वाले भाई साहब है ग्रेफाइट, दूसरे भैया है डायमंड, तीसरा बताओ फुलरीन। कौन है सर? फुलरीन। इसमें सर मोस्ट स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट, जिसको बोला गया थर्मोडायनेमिकली यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डायनामिकली मोर स्टेबल फॉर्म जो है वो कौन सी है? ग्रेफाइट है। फुलरीन क्या है सर? तीनों की खासियत है मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म है, यानी कि प्योर है साहब ये। डायमंड मोस्ट हार्डेस्ट फॉर्म है, यानी टूटे उठेगा नहीं, हीरे को केवल हीरा ही काट सकता है। अरे बोल बे, वो सब यहीं से आया है, ठीक है ना? हाँ, खैर यहां बताओ, अब मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा वॉल्यूम कहां है और कम वॉल्यूम कहां है? ज्यादा हार्ड है अगर, इसी से पता चलेगा, यानी इसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे ज्यादा, बोलो बे, और इसके थोड़े से दूर दूर। मॉलिक्यूल क्या? एटम बोले अगर कायदे से बोले सही तो, कार्बन एटम। तो सर इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर जो वॉल्यूम होगा नहीं जाते हो तो, अबे मतलब इतना बताने के बाद पगलाए हुए हैं बिल्कुल, कोई बहुत सस्ता नशा कर रहे हो गुरु तुम इस समय। हाँ पढ़ाओ लिमिट, मतलब पैसे की अच्छा वाला करो, हमारे पास आओ, हम बताएंगे वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा। आओ भैया इधर आओ तुम। अब सुनो, अब बना ले जाओगे? अब मुझे ये बताना जरा, बना लो पहले वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा, और अगर हार्डेस्ट है तो यहां पे अब वो टर्म आएगा डेंस वाला। क्या ये ज्यादा क्लोज होगा मामला यहां पर एटम्स का? तो ये मोर डेंस होगा,
और ये लेस डेंस होगा। अच्छा, डेंस शब्द जो होता है वो सॉलिड के लिए यूज किया जाता है या दोनों तरफ सॉलिड है साहब इसलिए यूज कर रहे हैं? इस पे बढ़िया सवाल आता है सर, अगर ये पता है तो काम कर ले जाओगे, वरना गया मामला। अब मुझे ये बता दो, दो चीजें हैं, अगर मैं प्रेशर को कम करूं और प्रेशर को ज्यादा, ये कोई रिजल्ट विजल्ट नहीं है, ये आप निकाल रहे हैं, पेपर में भी आप निकाल लेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं, वॉल्यूम लिखना आना चाहिए। तो ये बताइए, अगर प्रेशर कम है तो क्या रिएक्शन उधर जाएगी? प्रेशर कम का मतलब वॉल्यूम ज्यादा करना होता है, यानी जिधर वॉल्यूम ज्यादा हो इसका मतलब आपकी रिएक्शन किस तरफ भागेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगी तो मुझे बताइए कि क्या डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने लगेगा? अरे बोलो ना यार, तो क्या मैं बोल सकता मोर ग्रेफाइट फॉर्म्ड या प्रेजेंट? अरे बोलो ना यार, ज्यादा से ज्यादा किस फॉर्म में पहुंच जाएगा? ग्रेफाइट की फॉर्म में। इधर आते हैं, प्रेशर अगर बढ़ाया तो क्या रिएक्शन वॉल्यूम को कम करना चाहेगी? वॉल्यूम को कम करने के लिए वो किस डायरेक्शन में भागेगी सर? बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी सर। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर भागेगी तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा, जो डायमंड होगा वो डायमंड ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक बात। एक बात और बताइए, रिएक्शन जिस तरफ भाग रही है क्या वो चीज ज्यादा स्टेबल है? अरे बोलो भैया, वो ज्यादा स्टेबल है तभी तो उस तरफ जा रहा है, वो ज्यादा बन रहा है। तो अगर कल को बोल दिया जाए कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल बनाना है तो इसका मतलब ग्रेफाइट ज्यादा बनाना है। ग्रेफाइट ज्यादा बनाना है मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है। रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है मतलब वॉल्यूम को ज्यादा करना है। वॉल्यूम को ज्यादा करना है मतलब प्रेशर को कम करना पड़ेगा। मामला समझ में आया? अपनी शीट में आ जाइए सवाल पे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 73-74 फिजिकल इक्विलिब्रियम। जल्दी सर बोले थे शीट लेके आना है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 73-74 पढ़ लीजिए, पढ़ के समझाइए, हमको बताइएगा। यहां पर ये उतारने के बाद ये लिख लीजिएगा सर, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, एक टर्म लिखवा दे रहा हूं, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। मींस टू शिफ्ट मोर वॉल्यूम, मींस टू शिफ्ट मोर वॉल्यूम। मींस ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, means on decreasing pressure diamond will easily converted, yeah diamond will easily convert into graphite, diamond will easily convert into graphite। diamond आसानी से किसमें चला जा रहा है? graphite। clear है मामला? इंसान की तरक्की का आलम यह है सर कि lab में हीरा बना दे रहा है वो। हाँ, YouTube देखते हो तो अब देखो। हाँ, वो तो आज के दिन पकड़ लिए हमने ये शब्द ना, सुबह से लेके शाम तक रगड़ेंगे इसमें। नहीं, डायमंड जो है वो लैब में बनाया जा रहा है और नॉर्मल डायमंड जो बाहर मिलता है उससे महंगा। हाँ सर, उससे महंगा। दिस इज नॉट कॉल्ड आर्टिफिशियल डायमंड और अमेरिकन डायमंड, जो तुम 2 रुपए वाला हीरा पहन के घूमते हो वो डायमंड नहीं है सर।
किसी ने कहा ये अमेरिकन डायमंड है, ब्रिटिश डायमंड है, मतलब नकली वाला है, वो 10-10 रुपए की अंगूठियां खूब मिलती हैं जब कभी मेला एला लगता है कहीं पर, तो वहां मिलता होगा, चमकता वो भी है सर, ठीक है ना। दूसरा सर, हीरा रात में नहीं चमकता, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़े हैं, एक टर्म है क्रिटिकल एंगल, है ना। बस हीरे के औकात ये है कि अगर आप कहीं कोने में बैठे हैं, वहां अंधेरा है साहब, और कोई फ्लैश लाइट जला के आपको ढूंढने आया, तो पहले आप नहीं चमकेंगे, चाहे आपने 20,000 का मेकअप कर रखा हो, पहले हीरा चमकेगा सर, इसलिए वो डायमंड है सर, क्योंकि जरा सी भी लाइट पड़ेगी तो वो तुरंत उसको तगड़े से रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? और इंसान समझिएगा, कायदे से ये क्या था कि जब माइनिंग होती है तो पहले कोयला वोयला आता है, फिर ग्रेफाइट निकलता है, और असली प्रोसेस यही है। उसके बाद सर फिर जब और जाते हैं, क्योंकि जब यार आप समझना, डायमंड कब बनेगा, जब प्रेशर क्या होगा ज्यादा, अरे बोल ना यार, डायमंड कब बनेगा, जब प्रेशर क्या होगा ज्यादा। और सुनो, इसको समझो, जैसे जैसे तुम खोदते जा रहे हो, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, इसलिए पहली लेयर किसकी आनी है, ग्रेफाइट की, अरे बोलो भैया। और उसके बाद फिर आप खोदते खोदते जब अंदर जाएंगे, तो इसका मतलब जब जहां कहीं भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर का सही समीकरण बैठ जाएगा, वहां पर ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, डायमंड में सर। क्लियर है मामला? तो इसलिए याद रखिएगा, जब कभी भी आप ग्रेफाइट का पहाड़ तोड़ रहे हो, तो रोइए कि यानी ये सब डायमंड बन सकता था, ये सब किस फॉर्म में मिल रहा है, ग्रेफाइट के फॉर्म में। तो इंसान ने क्या किया, अच्छा जब ये निकला तो इसमें कई बार ये भी रहा कि पूरा बदल जाए, ये यार नेचुरल प्रोसेस है ना। तो उसने क्या किया कि उसने लैब में अब ऐसा सिस्टम बैठा लिया कि वही टेम्परेचर वही प्रेशर एग्जैक्टली क्रिएट कर दिया सर, और उसमें सबसे अच्छी बात यह कि जो प्योरिटी है उसकी 100% कर दी सर, यानी उसमें इंप्योरिटी का कोई चक्कर है ही नहीं साहब। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो जो मिलता है उससे ज्यादा महंगा है सर, क्योंकि उसको बनाने का प्रोसेस जो है वो बड़ा मुश्किल टास्क है, तो तुम घर पे नहीं बना पाओगे सर, सुनना था तुम। इस पे एक सवाल है, पहले चाहो तो वही कर लो तो शांति मिलेगी तुमको। एक्सरसाइज 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 33, जिनके पास नहीं है मैंने ग्रुप में डाल रखा है, आप मोबाइल पे भी साहब खोल सकते हैं, अगर आप थोड़े से बुद्धिमान इंजीनियर हैं तो बिल्कुल है, झोला छाप है तो कुछ नहीं हो सकता है आपका। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद एक बार में आंसर निकालिए और सही आंसर निकालने का प्रयास करना, क्योंकि तुमको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अच्छा प्रेशर भी चाहिए, यहां पे प्रेशर को भी लिया जा रहा है और टेम्परेचर को भी लिया जा रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो कर ही लोगे ना। टेम्परेचर के लिए तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए, वो डेल्टा एच दिया हुआ है, और सर प्रेशर को अप्लाई करने के लिए वॉल्यूम वाला चक्कर पता होना चाहिए, वो तुम्हें पहले से पता है, लेकिन उसने हिंट तब भी दे रखी है क्या, कि डायमंड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे, ग्रेफाइट से, यानी डायमंड में वॉल्यूम कम होगा और ग्रेफाइट में ज्यादा होगा, नहीं भी देता तो तुमको पहले। चलो बताओ, बोलो भैया। अच्छा ये बताओ, प्रेशर वाला मामला बना लोगे, वो कह रहा है क्या, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ये लिखा हुआ है सर, जहां लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डायमंड वहां पे एरो बनाओ बैकवर्ड वाला, ये सवाल करने का तरीका है सर। एरो क्या बनाओगे, बैकवर्ड, यानी तुम रिएक्शन को किधर ले जाना चाहते हो, पीछे, अरे बोलो ना यार। जहां लिखा है कार्बन डायमंड उसके नीचे लिखो वॉल्यूम कम, और जहां लिखा है ग्रेफाइट वहां लिखो वॉल्यूम ज्यादा, अरे बोलो ना भैया। अब तुम्हें रिएक्शन वॉल्यूम की तरफ अगर ले जानी है तो क्या तुमको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, अरे बोलो यार। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, हाई प्रेशर, पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी बात सर, क्या डेल्टा एच निगेटिव लिखा हुआ है, तरीका क्या पढ़ाया, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, और अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर कम और प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर ज्यादा, लिखो वहां पे डायमंड के नीचे टेम्परेचर कम,
और ग्रेफाइट के नीचे टेम्परेचर ज्यादा, ये तो लिख लेते हो ना तुम एक्सो एंडो देखकर। अब ये बताओ रिएक्शन कहां जानी है, अभी भी सवाल क्या है, बैकवर्ड। रिएक्शन अगर बैकवर्ड जानी है सर तो क्या टेम्परेचर को कम की तरफ चले, यानी तुमने क्या किया होगा, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तभी ना कम की तरफ जाएगा अंकल, इसका मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो आंसर क्या होगा इसका, सी पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही सर 35 है, इसको बता दो इसी तो बता ले जाओगे तुम तो। सब लोग भाई अपना सवाल करो, बात समझ रहे हो। एक बार करके बताओ, समझ में आ रहा है। पहला काम क्या, इधर देखो, पहला टेम्परेचर वाला मामला लिखा हुआ है वो तुम्हारे लिए आसान हो गया। वो कह रहा है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, यानी कि तुम सवाल में एरो किधर बनाओगे, रिएक्शन किधर चाहते हो, फॉरवर्ड, तो सवाल के ऊपर मारो एरो सामने। अच्छा सॉरी, हाँ लोअर है मतलब बैकवर्ड। प्रोडक्ट कम हो यानी रिएक्शन किधर जाए, बैकवर्ड। अब टेम्परेचर वाले में प्लस क्यू जूल लिखा है, मतलब प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर कम है। लिख लो टेम्परेचर ज्यादा उधर प्रोडक्ट की तरफ और इधर लिखो टेम्परेचर कम, हो गया। अब मुझे ये बताओ रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है यानी कम टेम्परेचर की तरफ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो गया। ठीक बात, अगली कहानी सर प्रेशर का टर्म आया, यहां वॉल्यूम वॉल्यूम से काम नहीं होगा, ये नॉर्मल सवाल है। अब ये बताओ क्या रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल ज्यादा है, यानी लिखो प्रेशर ज्यादा, लिखवाया है मैंने आपको, तरीका बताया है। रिएक्टेंट साइड में 3 गैसियस मोल है यानी कि प्रेशर ज्यादा, और प्रोडक्ट साइड में 2 गैसियस मोल है यानी कि प्रेशर कम। अब तुम्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है यानी प्रेशर ज्यादा की तरफ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होगा या नहीं होगा सर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सर, अब आपके पास शीट, जिनके पास नहीं है, इसमें आपको ये सवाल दिए होंगे है ना, बता रहे भैया रुके रहो 2 मिनट। हमें करके बता दो, तुम्हारे पास तो है नहीं है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, जिनके पास नहीं है वो देख लें अपना। सारे करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 15 करो भैया, कर लिए होगे 15 नंबर, जल्दी से तुम्हारे पास बुकलेट में है, जेई मेन क्वेश्चन वाले में है, क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी एक्सरसाइज है साहब, बुकलेट मिल गई होगी, आपने खोल के नहीं देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 करिए और बताइए हमको। हो गया है? जो हम सवाल बताए वो हमको करके दिखा दो बस, केवल क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड आ रहा
नंबर 15 में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है N2 plus O2 gives 2 times NO. अब डायरेक्ट काम कर रहे हैं सर, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं सब. N2 plus O2 gives 2 times NO at temperature T. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने बता रखा है, कोई वैल्यू दी है K बराबर KC बराबर 4 × 10⁻⁴. ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं. इन्होंने कहा सर इस रिएक्शन का बताओ. अब ये रिएक्शन ऊपर वाले में अगर हम देखें तो क्या किया गया है, बस इतना बता दो. पहला सर पलटाया गया है, तो अगर पलटाया गया है तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट जाएगा. उसके बाद सर इसमें क्या किया गया है बोलो, दो से भाग दिया गया है, या मैं ये बोलूं कि 1/2 से गुणा कर दिया गया है. 1/2 से गुणा कर दिया गया है ज्यादा बेटर बात है. 1/2 से गुणा किया गया है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/2. तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या आने वाला है, 4 × 10⁻⁴ - 1/2, यानी अंडर रूट लेना है तो 1/2 - 2, यही होगा. तो 2 - 2 है तो ऊपर जाएगा तो 100/ आएगा भैया, आएगा काहे परेशान. 50 पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या फर्स्ट, तो यानी आपको कैलकुलेट भी करना है. हम क्या करा रहे, आओ लगा दो. इसमें जो सवाल जेई मेंस नहीं दिए इधर 2020 और 21 वाले वो करा दे तुमको, क्योंकि ये तो तुमने कर ही रखे है ना. लगाओ ये सब हटाओ, बस वही लगाओ. तो तुमको नोट नहीं करना है उसमें, तुमको सवाल लगाना है, क्योंकि वो तो दिख ही जाएगा तुमको उसमें वीडियो में. तुम आराम से उसको घर में नोट करते रहना, यहां तुम्हारा काम केवल सवाल को अटेम्प्ट करना है सर. वो हम ये देखना चाहते हैं कि तुम कितना कर पा रहे हो. जो तुमने नहीं लगाया होगा हम वो सवाल दे रहे हैं, क्योंकि 7-6 बार पेपर हुआ है ना सर. कितने हैं, 7 हैं, कर दो ऐड कर दो. 7 सवाल है, 15 मिनट में कर लोगे तुम आराम से. तुम तो कर तो 1.5 घंटे में भी नहीं पाओगे अगर नहीं कर पाओगे तो, करना चाहोगे तो कर ले जाओ. कितने कर दियो अभी तक ये बताओ. हाँ करो सारे उसी में, 7 करो फटाफट. छोड़ो यार, कहाँ लिखी हो ये बताओ, इसमें है ना, ये लाइन से है 3 के बाद. अरे छोड़ो, हटाओ, छोड़ दो, हम लिख देंगे, हटो. 4 दिन से कर रहे हो तुम, यही नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो. 50 बार समझाओ तुमको. हम लिख दे रहे हैं भाई, ज्यादा झंझट हम पाल नहीं पाएंगे ना. चलो देखो, एको नहीं, इधर आओ बस फटाफट. सवाल लिख दे रहे हैं और मेन मेन बात लिख दे रहे हैं, कब आया है ये लिख दे रहे हैं, बस हमको बताओ. देखना ये ग्राफ है एलएन के वर्सेस 1/T. हम लोगों ने कल इसके बारे में काफी बातचीत कर रखी है सर. एक सवाल आपको इसका कराया भी है मैंने, यानी ये सवाल आ चुका है, ये दोबारा कैसे आया है उसको समझिएगा. इस ग्राफ का ये है, हमको लाइन दिया है और यहां लिखा है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है -4606 केल्विन है या नहीं है. अब सर इन्होंने कहा है कि एक हमने ग्राफ प्लॉट किया है एल एन के वर्सेज 1/T, ठीक है. गिवन इन द फिगर इफ रेट कांस्टेंट ऑफ
दिस रिएक्शन एट 400 केल्विन इज 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, देन रेट कांस्टेंट एट 500 डिग्री केल्विन, मतलब 400 डिग्री केल्विन पर अगर रेट कांस्टेंट इतना है तो 500 पर बताना है, मतलब वही K2 अपॉन K1 और T2 T1 वाला फार्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? अरे बोलो ना यार, फॉर्मूला बोलो जरा हमको, हाथ उठाओ पहले हम देखें कितने लोग याद है, यही विकेट गिर जाना है तुम्हारा, देख लो कल ही पढ़े हो। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही तो है साहब। ठीक सर, आपके पास चार ऑप्शन है, ये सवाल आया है जेई मेन 2019 में जनवरी के अटेम्प्ट में। चलिए सर आंसर निकाल दीजिए, बता दीजिएगा, चार ऑप्शन है, मैं चार 2 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स और 4 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, चारों में क्या आंसर है? अपना दिमाग लगाइए, आप निकाल ले जाएंगे। आंसर थोड़ा सा तेज चाहिए हमको, को रिलेट करना है बस, कर ले जाओगे तो काम बन जाएगा। सवाल कोरिलेशन का है सर, कोरिलेट करेंगे निकल आएगा, कितनी जल्दी कर पाएंगे ये आपके ऊपर है। कल कराया है एक सवाल, आया हुआ सवाल है, रिपीट हुआ है, तो आपको आना चाहिए सर। तुमको जो याद है पहले वो फॉर्मूला लिखो, सकल देखो उसकी, हो जाए। देखना, मान लो T1 कितना है 400, K1 10⁻⁵, बाकी यूनिट फूनिट की जरूरत नहीं है, T2 500, K2 निकालना है, यही तो सवाल है सर। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है सर, लॉग ऑफ, शर्म की बात है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कर कराया है भैया, अभी हम तुमको बताएंगे कौन सा सवाल है तुम्हारी शीट में, जानबूझ के दिए हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, इधर देखो ये वैल्यू, ये दिख रही है तुमको भाई, इधर देखो ये दिख रहा है तुमको 2.303 R। अगर ये हम इस लॉग को पकड़ा दे तो क्या ये लॉग ln बन जाएगा? क्या ये मतलब बनेगा ln ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, होगा या नहीं होगा? अब मुझे यह बताओ कि क्या तुमको यही ग्राफ दिया हुआ है? अरे ln K लिखा है तो K की जगह K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं ना, और 1 अपॉन T लिखा है मतलब टेम्परेचर लिख सकते हैं यहां पे,
तो अब मुझे बताइए कि इस ग्राफ का स्लोप मतलब हमें किसकी वैल्यू गिवेन है, डेल्टा एच की, गिवेन है या नहीं गिवेन है। उठा के वैल्यू रखिए और देखिए क्या बनता है मामला, यानी आपको क्या वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच गिवेन है और डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, माइनस साइन दिया हुआ है। असलियत में जब रखोगे तो आ ही जाएगा बराबर, तो अभी के लिए अगर ले ले तो वो प्लस 4606 केल्विन होगा सर, क्योंकि ज्यादा से कम को घटाओगे ना टेम्परेचर में, तो जो माइनस आएगा वो बराबर हो जाएगा वहां पे। एक मिनट, अच्छा हाँ आर रहेगा, डेल्टा एच अपॉन आर का वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा एच अपॉन आर है, 4606 दिया हुआ है आपको, 2.303 उधर चला जाएगा, आर तो रही जाएगा ना यार, तो डेल्टा एच अपॉन आर, क्योंकि डेल्टा एच आपको मालूम नहीं है ना सर, तो उसकी वैल्यू उसने आपको पकड़ा दी है। अब उठा के ये इक्वेशन दोबारा से लगा दीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं। देखो इधर लगाओगे तुम इसी में, ये केवल ग्राफ्स को कोरिलेट करने के लिए स्लोप के लिए लिया गया था सर, अब अगर मैं इसी में लगाऊंगा तो देखो जरा बताओ हमको क्या लिखोगे, लॉग ऑफ K2 की जगह क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर K2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -5 इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच अपॉन आर की जगह 4606 लिख दोगे डिवाइडेड बाय 2.303 रहेगा या नहीं रहेगा सर, यहां तो रहेगा ही ना, क्योंकि तुमने डेल्टा एच अपॉन आर का वैल्यू स्लोप बनाया है, तो डेल्टा एच अपॉन आर का वैल्यू तुम्हारे पास आया है, इसको उठा के यहां रखेंगे तो 2.303 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में आओ 1/T1 मतलब 1/400 -1/500 करो सॉल्व बताओ, देखो लास्ट में करोगे तो तुम्हारा मामला जो बनेगा, देखो सॉल्व करके 10 की पावर -4 आना चाहिए, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वैल्यू आएगी, वो वैल्यू ऐसी आएगी कि आप ले पाएंगे उसको, करिए तो सॉल्व उसको। नहीं आ रहा है, इधर से जब सॉल्व करोगे इधर देखो क्या ये 4606/2.303। अच्छा एक बात और बुद्धिमानी वाली है सर, क्या किसी को अगर ये माइनस माइनस साइन में बड़ा दर्द हो रहा हो तो मैथमेटिक्स वालों को इतना तो पता है कि लॉग की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, अरे अंदर तो नहीं रखने वाले ना, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, आने दो यार। ये बताओ ये 2.303 4606 से कितनी बार जाएगा, 2000 बार। तुम्हें कितनी देर में समझ में आता है ये तुम समझना, कितनी बार जाएगा 2000। यहां आते हैं, इधर देखो 400 × 500 यहां लिख लो, तरीका बताया था मैंने, और 500 - 100 यानी कि 100, तो ये 100 ये ले गया और 4 × 5 = 20 2000 2000। अरे बोलो भैया सब कट पिट जाएगा वहां पर, अरे भाई मेरे यहां 1 आएगा, 1 सब कुछ कटने के बाद। अब यहां अगर 1 आया है तो आपका इक्वेशन क्या बना, लॉग K2/10 की पावर -5 इज इक्वल टू क्या आया 1। अगर 1 आया है तो क्या 1 लॉग 10 की वैल्यू होती है, बोलो भाई, लॉग ऑफ K2/10 की पावर -5 दोनों तरफ लॉग लॉग है या नहीं है, दोनों के अंदर की वैल्यूज आपस में बराबर, तो K2/10 की पावर -5 इज इक्वल टू 10, K2 = 10 की पावर -4। क्या कर रहे हो भाई तुम, ये भी मैथ नहीं कर पा रहे हो क्या, यही तो आ रहा है सर, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप पेन उठाइए सॉल्व करेंगे तो बैठे रहेंगे आप, उधर से कट कटा के सब कितना आएगा 1 आएगा सर, कैलकुलेशन उतार लीजिए, सब कुछ बना लीजिए सही से, और ये सवाल
कल हम लोग जो कर रहे थे, बोलो भैया आर की वैल्यू डेल्टा एच अपॉन आर की जगह रख तो दिया, 4606 क्या रखे हो, फिर से पूछ लो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, बोलो यार ये फॉर्मूला होता है? अगर मैं इसको 2.303 दे दूं तो क्या ये एलएन बन जाएगा? एलएन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 - 1/T2 होगा। हमको जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसके किसके बीच में दिया हुआ है सर? जो हमारा ग्राफ है वो किसके बीच में हमको गिवेन है यहाँ पे? आजा भाई, एल एन के वर्सेस 1/T। तो अगर इसके बीच में ग्राफ दिया है तो इसका मतलब ये हमारा पोर्शन एल एन के है और ये वाला पोर्शन 1/T है, यानी स्लोप आपको किसका दिया है? ये वैल्यू स्लोप होगी, डेल्टा एच होगा या डेल्टा एच अपॉन आर होगा? डेल्टा एच अपॉन आर होगा, यानी ये जो स्लोप दिया है वो डेल्टा एच अपॉन आर की वैल्यू दी है या नहीं दी है? नेगेटिव है तो हमने साइन से पॉजिटिव ले लिया। अब यार जब हम वैल्यू रखेंगे तो इस फॉर्मूले में एलएन में थोड़ी रखेंगे यार, एलएन निकालना आता है क्या तुमको? लॉग निकालना आता है तो तुम फिर से बेसिक फॉर्मूले में जाओगे क्या? लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 - 1/T2। अब यहां पर जब रखोगे तो क्या के वन की जगह 10^-5, इधर जब रखोगे भाई साहब तो डेल्टा एच अपॉन आर की जगह रखा है 4606। 303 तो रहेगा ही अगर लॉग है वहां पे, तो अंदर यार 1/400 - 1/500 सॉल्व करिए, देखिए निकलता है कि नहीं निकल आ रही है। मतलब बेटा मेरे बात नहीं समझे, ये वैल्यू जो है, ये ग्राफ जो है, इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव। वो स्लोप की डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लिखा गया, वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी ना भैया मेरे। डेल्टा एच अपॉन, ये जो फॉर्मूला है 1/T1 - 1/T2 होता है या नहीं होता है? अब बेसिकली फर्क केवल क्या पड़ता है कि अगर तुम यहां पर वैल्यू रखोगे, अगर मैं 1/T2 - 1/T1 करूंगा तो माइनस साइन बाहर आएगा या नहीं आएगा? वही वो माइनस साइन यहां दिखाता है सर, तो उस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको डेल्टा एच की वैल्यू लेनी है वहां पे, वो तो स्लोप की डायरेक्शन है कि नेगेटिव है। क्या बताना चाह रहा है? नहीं सर, नहीं सर, ना ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली सुन लो, ये फॉर्मूला तुमने आसानी के लिए पढ़ रखा है, इधर देखो, अगर तुमको बहुत दर्द हो तो ये फॉर्मूला असलियत में log के टू अपॉन के वन, मैंने लिखा भी था, माइनस डेल्टा एच 2.303 आर 1/T2 - 1/T1 होता है या नहीं होता है सर? अब सर इन्होंने इसको कोरिलेट करने के लिए तो इससे ये वैल्यू आती है, आप इसका माइनस हमेशा उड़ा देंगे क्योंकि हर बार वो वही आने वाला है। अरे बोलो भैया, तो लेकिन डेल्टा एच के साइन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये थोड़ी कि साइन गलत आ जाएगा वहां से, साइन सेम ही आएगा, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है वो पता चलेगा तुमको वहां से, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखिएगा भैया, इस तरीके के सवाल भी आपको कर लेने। एक सवाल और है सर, ये वाला तो तुम्हें डायरेक्ट ही बता लेना चाहिए, 2022 का कराते हैं। हाँ सर, ये सवाल हमसे पूछा गया था सर, देखो भाई बढ़िया सवाल है 2020 का। कहानी ये है सर कि ये कर सकते हो, 2019 का है, कर दो, करो भैया बनाओ, ये लो जेई मेन 2019 का है, आंसर बताओ बस फटाफट हमको। मेन लड़ाई आंसर मिलाने की है सर, कितनी देर में आप मिला पाते हैं ये मेन है कहानी, बताइए। एक छोटा सा हिंट दें तुमको,
ए आ रहा है। अब देखो इसी में कहानी खत्म हो जानी है। एक बात बताओ, रिएक्शन को घुमाना है, मल्टीप्लाई करना है, यही लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही? एक छोटा सा काम कर लिया करो, क्या? जो तुम्हारी मेन रिएक्शन है, जो तुम्हारी मेन रिएक्शन है, उस मेन रिएक्शन में क्या यहां पे दिया हुआ है? SO2 दिया है। अब आप देखो कि आपकी वाली रिएक्शन में क्या दिया है, SO2 किधर दिया है, अपोजिट साइड। तो आप क्या कहोगे बताना जरा, ये रिएक्शन वन मान ले इसको और इसको रिएक्शन टू मान ले। यहां आना है, सुनते जाना, SO2 यहां पर उल्टा दिया है, तो मैं कहूंगा रिएक्शन वन को क्या करो, रिवर्स। अरे बोलना भाई, वन को रिवर्स करे और टू से गुणा भी तो करना पड़ेगा, यानी वन को रिवर्स करो और दो से क्या कर दो, गुणा कर दो। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट सर, क्या यहां पर आपको SO3 दिया है? O2 मत देखो, अपने आप पे बैलेंस हो जाएगा। यहां क्या दिया है, SO3। क्या आपको यहां पर SO3 दिया हुआ है इसी साइड पर? क्या यहां टू है, यहां पर भी क्या है, टू है। इसका मतलब इक्वेशन टू में कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी डायरेक्टली आप इसको किससे जोड़ दोगे, रिएक्शन टू से। रिएक्शन को जोड़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब लेकिन साहब, रिएक्शन वन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन था, क्या पलटते ही वन अपॉन के वन हो गया, दो से गुणा करते ही उसकी पावर बन गया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जुड़ा है, यानी कि मल्टीप्लाई होके के टू बन गया होगा। के वन और के टू की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, एक बटे दस की पावर 52 का स्क्वायर होगा और के टू मतलब 10 की पावर 129। तो साहब, एक बटे 10 की पावर 104, 10 की पावर 129, 129 में 104 जाएगा तो 10 की पावर 25, यही आंसर होगा। आंसर कौन सा है सर, सी पार्ट। मामला पकड़ में आया या नहीं आया? आपको तरीका देखना आना चाहिए, आपको देखना है मेन मेन चीजें जो, अच्छा जिस रिएक्शन का पूछा जा रहा है उसमें देखो तुम्हारे पास क्या दिया है। नॉर्मल रिएक्शन में तो बहुत सारी चीजें फालतू दी होंगी, जैसे यहां क्या फालतू दिया है बताओ, सल्फर। बोलो भैया, इसका मतलब जब जोड़ोगे तो वो कट जाता होगा, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो जैसे मैंने किया है आप वैसे करके देखना, कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। बात समझ में आ रही है? तो आपको जल्दी सवाल अगर करना है तो जिस मेन रिएक्शन का पूछा जाता है उसी में चेंज देख लिया जाता है, और जैसा जैसा उसने किया है वैसा वैसा आप यहां कर दीजिए, आपका आंसर निकल आए। ठीक बात है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर से बता दे रहे उसको। ये समझ में आया है कि कैसे लिखा है हमने उधर वहां पे देखकर? यही काम तुमको पेपर में करना है। पेपर में वो इतना टाइम नहीं होता है कि पहली को घुमा के लिखेंगे फिर उसमें गुणा करके लिखेंगे, इतना करोगे तो मर जाओगे। डायरेक्ट जो रिएक्शन पूछी गई है उसके भी आप पे काम, और इस पे सवाल खूब दना दना आता है सर, तो इसलिए इसको बड़े अच्छे से देखे रहिएगा। बैलेंस हो गया भाई, ओटू करके दिखा दे, आओ ले भाई, इनको चिंता है, इनकी चिंता। पहली रिएक्शन को क्या किया? अरे बोलो भैया, पहली वाली को क्या किए हो, रिवर्स। तो पहली वाली को रिवर्स करेंगे तो बनेगा SO2 S सल्फर प्लस O2, यही तो होगा। पहली वाली रिएक्शन में कितने से गुणा किए हो, यही होगा सर। दूसरी वाली रिएक्शन जैसी है उसको वैसे ही रख दिया जाए, 2 सल्फर 3 O2 2 SO3, दोनों को उठा के जोड़ दिया जाए, यही तो होगा सर। अब एक बात बताइए, क्या सल्फर सल्फर गया? बोलो बे, इधर आओ, क्या यहां पर 3 O2 है और यहां पे 2 O2 है? इसका मतलब 2 O2 गायब हो जाएगा और यहां केवल 1 O2 बचेगा सर। तो आपकी जो मेन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 2 times SO2 gaseous plus O2 gives 2 times SO3। वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, वो हमेशा, कोई तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हमने 100 बार कर रखा है तब तुमको बता रहे भाई, ऐसा थोड़ी कि हम तुम्हें हवा में बता दे रहे हैं कि तुम ऐसे कर लेना। 1% भी डाउट होगा तो हम तुमको बोलेंगे करके देखो, वहां पर वो हर बार बैलेंस हो जाता है अपने आप।
बस तुम्हारी नजर क्या होनी चाहिए सुनना, क्या बहुत लोग क्या करेंगे, मैंने यहां पर क्या किया है SO2 और SO3 को पकड़ा है सर, अगर आप SO2 के साथ O2 मिलाने चले गए तो आप गए, क्योंकि ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मेन है SO2 और SO3, जो दोनों रिएक्शन में चीज मिल रही हो, दोनों रिएक्शन में क्या मिल रहा है SO2 और SO3, और दोनों रिएक्शन का कॉमन पार्ट क्या है O2, कॉमन पार्ट को हमें देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेगा यहां पे। ठीक बात है, तो अगला सवाल करोगे, चलो अगर इसी में विकेट गिर रहा है तुम्हारा, अरे आ जाने दो, अच्छा हाथ हो गए, हेलो इसको करो, बेचारा लगा गया है लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया डर के मारे, आओ उतारो नहीं, हमको आंसर बताओ भैया, हम सवाल हवाल छपवाने नहीं आए यहां पे, वो सब तुमको उसमें मिल जाएगा, हमको आंसर बताओ, काम खत्म करें हम। अरे इससे ये लाए होगे, क्या किए हो, क्या रिएक्शन को पलटाए हो, तो अगर रिएक्शन को पलटाए हो तो क्या केसी पलट गया होगा, क्या इसके बाद दो से भाग दे दिए हो, दो से भाग देने का मतलब एक बटे दो से गुणा किए होगे, एक बटे दो से गुणा किए होगे तो क्या ये पावर हाफ बन जाएगा। अब सर केसी का वैल्यू 64 है, 64 का अंडर रूट तुम कॉपी में लिख के निकालोगे, अरे सॉरी यार, हाँ हाँ भैया हाँ, एक बटे 64 है यार, ले ओ, तो आंसर क्या आएगा 1/8, ध्यान रखना है तुमको। चलिए दो ही लगा पाया था मैं लग रहा, आ गया आ गया आ गया, आ तो दो गए हैं लेकिन हम, अरे हमारे पास सारा खेल है, हम बहुत सीख गए, तुम देखते जाओ। अरे आ तुम यार सवाल में, आ तुमको भाई तुम तुरंत वही बता दो रहे कि अब हम क्या बोले, आंसर बोलो, इनका दिया है इनका पूछ रहा है, यानी के वन और के टू के रिस्पेक्ट में बताना है तुमको, किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, आराम से अपना ऑप्शन सोच लो, अगल बगल मछली बाजार मत बनाना कि इनका भी है हमारा भी हो गया, सबका आंसर भी पार्ट आ रहा है, कंफर्म हो, कोई ऐसा तो नहीं है एबीसी वाला, भी तो होगा वे, पगलट हो क्या यार, हाँ ये भी पार्ट आ रहा है सर, कैसे किया होगा, के टू बराबर के वन की पावर माइनस थ्री लिखा है, यानी कि इधर देखो तो, इधर देखो तो सर, ये के टू होता है, तुमने इसको ऐसे निकाला होगा, क्या किया है बताओ, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन में अगर लाना है तो क्या सर इस रिएक्शन को पहले पलटाया गया होगा, यानी कि वन अपॉन के वन किया गया होगा, उसके बाद क्या इस रिएक्शन में तीन से गुणा किया गया होगा, तीन से गुणा किया गया होगा तो पावर क्या हो गई होगी थ्री, तो क्या ये के वन की पावर माइनस थ्री बना होगा, और इसके लिए ये क्या दिया हुआ है के टू, तो के टू बराबर के वन की पावर माइनस थ्री। ठीक है सर, वो लिखना पड़ेगा वो सवाल, ये सवाल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमसे किसी ने पूछा था और हमने ये सवाल आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाया है, जब दूसरी क्लास पढ़ा रहे थे तो ग्राफ बनवाए थे सर, याद आ जाएगा आपको, वो उस दिन कितने लोगों ने अच्छे से सीखा है उनके ऊपर बात है, और ये सवाल आया हुआ सवाल है, ये सवाल आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल सर ये है कि इन्होंने एक इक्विलिब्रियम सेटअप किया है ए से बी, ठीक बात, और इन्होंने बोला है कि कौन सा ग्राफ सही है, चार ऑप्शन दिए हैं डायरेक्ट, पहला ऑप्शन आपको दिया है सर ये, और यहां पर जो वाई एक्सिस है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है और एक्स एक्सिस टाइम को बता रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है ना, और यहां पर इन्होंने बोला है ये वाला ग्राफ ए के लिए और ये वाला बी के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम है, ये बता रहे हैं कि ऐसा इक्विलिब्रियम पे हुआ है तो तुम्हें पता है, ऐसे ही इसका दूसरा ग्राफ है सर,
ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये सी। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम है। बातें मत करिए सर, ये ए है, बी रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम। सवाल आया है जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट। सितंबर अक्टूबर नवंबर से फर्क नहीं पड़ता है साहब, जेई मेन से फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैंने आपको इस तरीके के ग्राफ सीडी चार बनवाए थे सर? चारों ग्राफ बढ़िया से एक्सप्लेन करे थे सर, उनका मतलब भी एक्सप्लेन करा था और उनके लिए एक एक इक्वेशन भी लिखी थी सर। आप एक बात मुझे बताना, सुनना, जब आप इसे नॉर्मल करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर? ए और बी, यानी कि सीधा सा मतलब है तुम कहोगे कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया है, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को बता रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां पर भी सर इनके स्लोप बराबर हो गए, यानी कि इक्विलिब्रियम है। यहां पर भी सर इनके स्लोप बराबर हो गए, मतलब कि इक्विलिब्रियम है। यहां पर तुमने क्या कहा कि यहां थोड़ा सा गड़बड़ है सर, यानी ये ग्राफ इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। अरे बोलो ना यार, ये कैसे होएगा भाई, उल्टा चल ले। अच्छा, इन तीनों में, अब इसका मतलब तीनों इक्विलिब्रियम के, यानी सारा खेल इक्वेशन में आके फंस गया है। तीनों आंसर या तो हो सकते, लगाना एक ही है। अब इक्वेशन ये कह रही है सर कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, यही तो मतलब है ना सर। तो कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें जब इक्विलिब्रियम आया है तो दोनों के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाए, बराबर? वो केवल और केवल ए पार्ट है या नहीं है सर? और अगर आप उस दिन की क्लास उठाएंगे तो मैंने ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू टू बी, टू ए इज इक्वल टू बी, दुनिया भर की ग्राम कहानी उसमें लिखवा के सवाल कराया था सर। तो ये सवाल उसी पर है कि आपको पता होना चाहिए कि असलियत में ए और बी के रिस्पेक्ट में आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन ढूंढनी थी। ठीक बात है ना? तो ध्यान रखिएगा। एक और है सर, देखना सर, अगला है सर। ये एक डब्बा है पहले तो, और जो इन्होंने यहां पर डायग्राम दी हम वही बना दे रहे हैं। एक दो तीन चार है, देखो बात करोगे तो हम मालूम है कुछ आगे का पढ़ा देंगे, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने लगेंगे। ये हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, पेपर हमको देने अब नहीं जाना है, हमारी उम्र निकल चुकी है। तुम्हारी है तब भी तुम कुछ कर पाओगे, इसमें बड़ा दिक्कत वाली बात है ना, इसलिए देखे रहना। नहीं हमारी कोचिंग में पढ़ने, देखो हमको छोड़ नहीं पाओगे, अच्छे से इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे तो अपने लड़के बच्चों को छोड़ने आओगे तो अंदर तक कोचिंग में आओगे, वरना अच्छा लगेगा रिक्शे में बैठा के ला रहे हो है, और वहां कोने जॉब हुआ चले जाओ उधर, और कहे नहीं पापा चलो छोड़ने, कहे नहीं बेटा वहां नहीं जाएंगे, बेइज्जती करता है वो। जबकि हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे बच्चे के सामने, तुमको खराब लगेगा, इसलिए पढ़ो। तुम्हें इमोशनली कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एक आईआईटी वालों से बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, टेंशन ना लो। तो तीन चार
पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये डायग्राम है सर, बना लो सर। यहां ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाली, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है सर, जो आपका ए है सर, वो ए जो है वो आपके लिए रिएक्टेंट है, यानी कि ये डब्बा है, और जो आपका बी है सर वो प्रोडक्ट है, और वो ये गोला है। ये सवाल है सर, आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, और ये जो डब्बे की सिचुएशन है ये एट इक्विलिब्रियम है। सवाल है बे, क्या करें, ये देखो ये छपा है, कोई अपने मर्जी से थोड़ी हम दिखाई दे रहे हैं, देखो तुम्हें क्या लग रहा है कि हम पर्ची बना रहे हैं उसको, वो आता है पेपर भाई, वो लोग करते हैं खेल तमाशा। हाँ यही तो मेन है कि करना क्या है, वेरी गुड, हाँ यही सवाल है। पहला ऑप्शन है वन, एट और फोर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है साहब, जेई मेन जनवरी 2020। भाई एक बात बताएं, इस क्लास का हर एक बच्चा ये सवाल कर सकता है, तुम केवल अपना कंसंट्रेशन लूज करके मजाक करके सवाल बर्बाद कर दोगे और कुछ नहीं है, आता तुमको है, सब कुछ तुमको पता है। कितने लोगों ने कर लिया है, हम पटक के नहीं मारे तुमको ए वन बाई सिक्स, इसमें आंसर बताओ ना, गोले हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है यही है, अब क्या लगाओगे तुम्हें समझना है ना सर, दो आएगा या नहीं आएगा। अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हें चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है, तुमको ही बताओ ये इक्विलिब्रियम में दिया है तो तुम ये डब्बे गिन लो ना, यानी जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो उस समय इक्विलिब्रियम पर ए वाले डब्बों की संख्या कितनी होगी, छह, बी वाले गोले कितने होंगे, ग्यारह। इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या होता है, बी अपॉन ए, अरे बोलो ना यार, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन वन है सर, तो बी की जगह पे क्या लिख दोगे, ग्यारह, ए की जगह रखोगे छह। अब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 2.19 तो नहीं लगा पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने दानी पुरुष हो कि 1.9 आएगा और एक लगा दोगे, बोलो भैया। अच्छा एक बात और, इस सवाल में क्या लिखा है कि हाईएस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आर्यभट्ट भी नहीं बनोगे, नहीं तो चले जाओगे, लिखा है सवाल में कहीं नहीं, बहुत बुद्धिमान लोग मैं जान रहा हूं ना, केमिस्ट्री का सवाल मैथ के चक्कर में गलत ना करो, वो क्या कहेंगे 1.9 का तो इंटीग्रल वैल्यू 1 होता है, बेटा सवाल केमिस्ट्री में आया है ना, जब मैथ में आए तो ध्यान रखे रहना, क्योंकि वहां तुम 2 लगा दोगे और यहां 1 लगा दोगे, दोनों तरफ से लात खा के वापस आओगे, तो देखे रहना सर। यहां तक का मामला समझ में आ रहा है सर, तो कल अब सुनिएगा सर, कल पढ़ेंगे कितने लोगों ने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा है सर, नहीं समझे कल बोल दिया था, तो अब तो बाकी लोग तो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को एक बार रीड करके आइएगा, और तरीका सुनिए सर, हम यहां से कथा बांचेंगे, आप सुनेंगे और निकल नहीं जाएंगे सर, यहीं से बोलेंगे, आप पढ़ के भी आए होंगे, कुछ पॉइंट एडिशनल बताएंगे, आप याद करेंगे, और जब याद करेंगे उसके बाद आप जाएंगे, चाहे एक पन्ना याद कराए लेकिन याद करा के भेजेंगे सबको। बात समझ में आई या नहीं आई, आप इनऑर्गेनिक यहां सुनने नहीं आए प्रवचन, यहीं से याद करके बाहर निकलिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो पहले से याद करके आए कि कम से कम वो बता
पाएंगे। एनसीईआरटी कल सबको लेकर आनी है सर, क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी पार्ट टू में है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो लेके आइएगा सर।